तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। या प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये होता है कि कई बच्चे मेरे से ये बात पूछते हैं कि सर ये बात बताओ कि कहीं जगह तो लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और कहीं जगह लिखा होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्या इन दोनों बातों का मतलब एक ही है? क्या ये एक ही चीज होते हैं? तो जवाब है बच्चों, हाँ, इन दोनों चीजों का मतलब एक ही होता है। अब देखो बच्चों, अब बात यहां पर उठती है कि सर आप कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या लॉजिक है, हमें बात समझ नहीं आई। सर आपने तो इसका ट्रीटमेंट ये बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त टू टू बैड डेट लिखते हैं, टू बैड डेट्स लिखते हैं, ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन और नेट अमाउंट को हम बाहर लिख देते हैं। लेकिन सर सवाल तो ये उठता है, ऐसा करते क्यों है? सर आपने तो एक चीज और भी बताई थी कि चाहो चाहो तो एक साथ ही पीएनएल अकाउंट में इन सब का नेट एक साथ ही टू प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से भी लिख सकते हो। सर हम सब आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं सर, लेकिन इसके लॉजिक समझ नहीं आया सर हमें। और आपने एक चीज और भी बताई थी कि बैलेंस शीट के अंदर डेटर में से लेस करो फर्दर बैड डेट्स जो आए उसमें से लेस करो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है जी बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा ट्रीटमेंट आया क्यों? और मैंने आपको इसका जो अकाउंट बनवाया था उसमें मैंने आपको ऐसी कुछ बातें लिखवाई थी कि इसका अमाउंट निकालने के लिए, मतलब आपको जो ये डिटेल लिखनी है उसका डिटेल के अंदर ये जो अमाउंट लिख रहे हो आप पीनल अकाउंट में, ये अमाउंट को लिखने के लिए आप अकाउंट बना लो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। सर सर मैंने कहा बोलो सर इसको क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट लिख सकते हैं? मैंने कहा दो चांटे लगा लो अपने आप को। सर चांटे क्यों लगवा रहे हो सर? मैंने कहा अभी ऊपर ही बोल दिया था, डाउटफुल डेट बोलो या प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो, दोनों का मतलब एक है। ठीक है सर, अब नहीं पूछेंगे सर आपसे ये बात, ये बात हमें क्लियर हो गई कि अब इसकी जगह हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बच्चों, अब देखो यहां मैंने क्या लिखवाया था, बैड डेट्स, फिर मैंने लिखवाया था एड फर्दर बैड डेट। ठीक है जी, और बाहर आ गया था ये, यहां मैंने बोला था ओल्ड प्रोविजन लिखो बाई बैलेंस बीडी करके ओल्ड प्रोविजन। सर यही तो भारी शब्द लग रहे हैं जो समझ नहीं आ रहे। और यहां मैंने बोला था टू बैलेंस सीडी करके न्यू प्रोविजन लिखो। सर इतने भारी शब्द आ गए, हम तो घबरा से गए, चक्कर खा के गिर गए हम तो। और फिर आपने बोला था ये बाई पीनल करके बैलेंसिंग फिगर से जो भी अमाउंट आएगा यही अमाउंट तो ऊपर ट्रांसफर करना है। सर पूरी बात क्लियर करो। मैंने कहा देखो बच्चों होता क्या है, ये है आपका बिजनेस, ठीक है, ये कौन है, बिजनेस का मालिक प्रोपराइटर, ठीक है जी, ये कौन है, ये इसके कस्टमर है, ठीक है, ये इसके कस्टमर है। देखो बच्चों होता क्या है कि प्रोविजन रखते क्यों है, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, क्योंकि हम कंसेप्ट कौन सा ऑप्ट करते हैं, ये कंसेप्ट ऑप्ट करता है प्रूडेंस का, प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अपने आप को पहले से कंजर्व रखना, पहले से बचा के रखना कि कल को नुकसान हो जाए तो हम झेलने की क्षमता हो, इसलिए पहले से ही उसका प्रोविजन बना के रखो। सर और थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताओ। मैंने कहा देखो बच्चों
हम अपने घर में, हमारे मम्मी भी डैडी भी हमारे प्रोविजन बना के रखते हैं। कुछ पैसे मम्मी संभाल के रखती है तो किसी को भी नहीं बताती। सर बात तो ठीक कहते हो सर, मम्मी के पास कुछ पैसे जो किसी को भी नहीं बताती, लेकिन वो आपके फायदे के लिए ही है। क्यों? कल को घर पे कोई मुसीबत आई, कोई प्रॉब्लम आई, भगवान नहीं करे कोई इमरजेंसी आ गई, तो मम्मी के पास से जो पैसे निकल के आते हैं वही काम में आते हैं। पापा जी भी यही काम करते हैं, अपने पास कुछ पैसे ऐसे जरूर रखते हैं जो किसी को पता नहीं होते, और वो कहते हैं कि साहब घर पे पैसे नहीं है अभी, तो तुम लोग शांति कर जाओ, कोई तुम्हारी पार्टी नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि पापा के पास वो रिजर्व पैसे पड़े हुए होते हैं केवल। तो उस स्थिति में पापा मना कर देते हैं, अपने पास पैसे रिजर्व करके रखते हैं। कल को मान लो भगवान नहीं करे किसी की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, तो क्या पड़ोसी से पैसे मांगने जाएंगे? दिक्कतें आ जाएंगी ना। तो बस ऐसा ही कुछ प्रोपराइटर भी सोचता है कि मैं क्या बन जाऊं, समझदार। क्या बन जाऊं? समझदार, और समझदारी दिखाऊं, कंजर्व कर लूं अपने आप को। क्या सारे कस्टमर पैसा दे देंगे? हाँ सर, जब हम अगले को गुड्स बेच रहे हैं तो सारे पैसे दे ही देंगे। मैंने कहा माना बच्चों, सब अच्छे लोग होते हैं, 95% लोग आपको अच्छे मिलेंगे, मे बी पॉसिबल 5% खराब मिल जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो 95% खराब मिलते हैं, 5% ही अच्छे मिलते हैं। बेटे यही तो अनुभव है आपका, सबका अनुभव अलग अलग है, सबका अनुभव अलग अलग है। सर ये अनुभव कहाँ से आता है? मैंने कहा बेटे अनुभव आता है समय के साथ। अब इस प्रोपराइटर को भी समय बीता, जब पुराना समय बीता तो कुछ कस्टमर इसके पैसे खा गए थे। सर पैसे कैसे खा जाते हैं? मतलब पैसे चुकाए नहीं उसको, डूब गए पैसे उसको, मैं इसलिए मैंने कह दिया खा गए थे, मतलब पैसे दिए नहीं उसको, डूब गए। मार्केट में इसने कस्टमर को 1 लाख रुपीज, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 1 लाख रुपीज का, पिछले साल की बात है, 1 लाख रुपीज का उधार दिया था, गुड्स उधार में बेचे थे 1 लाख के। 95,000 रुपीज तो रिकवर हो गए, 5,000 तो कितनी कोशिश कर ली बंदे ने, पैसे दिए ही नहीं। अब ये प्रोपराइटर कहता है मैं तो गुंडे लेके भी पहुंच गया मारने के लिए, वो वहां से डबल गुंडे ले आया मेरे को मारने के लिए। अल्टीमेटली मुझे क्या काम करना पड़ा? हाथ जोड़ने पड़े, छोड़ो जी मत दे तू पैसे। तो वहां पैसे क्या हुआ? डूब गए। तो अब इसने क्या सोच लिया? मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग खराब निकल आए, इसलिए इसीलिए मैं अपना पास्ट रिकॉर्ड देखकर, क्या देखकर? पास्ट रिकॉर्ड देखकर कुछ पैसा हमेशा अलग करके रखूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसने अपने पास्ट रिकॉर्ड से देखा कि 5% पैसा डूब जाता है, तो मैं अपना 5% पैसा अलग करके रखूंगा। ठीक है जी? ठीक है सर। अब देखिए 1 लाख रुपए में 5,000 रुपए इसने अलग करके रख लिए, और इसको पहले से ही, अभी देखिए अभी रिकवर नहीं हुआ, इसने पहले से ही इसको अपना नुकसान मान लिया और यहां पर 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से लिख दिया। ठीक है, क्या इसने ठीक किया? हाँ सर, इसने बिल्कुल ठीक किया, ये समझदार है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अपना रहा है, इसने बिल्कुल ठीक किया। वहीं से एक बच्चा उठ के मुझे बोलता है सर मेरे हिसाब से इसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने बोला क्यों? सर अगर कल को नुकसान नहीं हुआ और सबने पैसे दे दिए तो, और ये तो अपना नुकसान समझ के बैठा है। मैंने कहा बच्चे सबने पैसे दे दिए और नुकसान नहीं हुआ तो इसकी बल्ले बल्ले, फिर तो इसके दोनों हाथ पैर भी ऊपर हो जाएंगे, डांस करने लगेगा और ढोल नगाड़े बज जाएंगे, बल्ले बल्ले हो गई इसकी। क्यों क्यों बल्ले बल्ले हो गई इसकी, क्यों खुश हो गया ये? ये कहता है साहब जिसको नुकसान समझ के बैठा था वो नुकसान हुआ नहीं, अब तो वो फायदा हो गया। तो सर क्या फिर रबड़ से मिटा के इसको फायदे की जगह लिख देंगे? मैंने कहा नहीं बच्चों, हमारी कॉमर्स के अंदर रबड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। देखो बात ध्यान से सुनना, लॉजिकली बात है, रबड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। इसने इस पैसे को सेपरेट करके रख दिया। ठीक है, इसने इस पैसे को सेपरेट करके रख दिया। अगले साल बोला, अगले साल भी मैं प्रोविजन अगले साल नहीं बनाऊंगा, मे बी पॉसिबल कि अगर मेरे अगले साल पैसे डूब जाते हैं तो ये मेरे पैसे काम में आ जाएंगे। तो जो पैसा इसका नहीं डूबा, सारा रिकवर हो गया, जो इसने अलग से प्रोविजन करके रखा था, इसको इसने नाम क्या दे दिया? ओल्ड प्रोविजन। अच्छा,
मैंने कहा देखो बच्चों, एक एक कारण, एक तरीका और भी हो सकता है, और थोड़ा सा इसको अपन एक्सप्लेन करके समझते हैं। मान के चलो ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, 5,000 रुपए इसने अलग करके रखे, ठीक है, मे बी पॉसिबल कि नुकसान 3,000 का हो जाए। सर बात तो ठीक कह रहे हो, मे बी पॉसिबल नुकसान 3,000 का हो जाए, 2,000 बच जाए, तो फिर इसकी पीठ थपथपाएंगे हम। क्यों? क्योंकि समझदार है ये, तो हमको आज पता लगा कि 5,000 इसने अलग करके रखे थे, तो जो बढ़िया रहा 3,000 रुपए माइनस कर दिए, बाकी के 2,000 रुपए की बल्ले बल्ले ये अगले साल काम आ जाएंगे, तो ओल्ड प्रोविजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ सर बात तो ठीक है, वही तो बेटे, अब घर में भी देखो यही सब चीजें होती है। मम्मी पैसा धीरे धीरे, जो मम्मी को घर के खर्च के पैसे मिलते थे, मम्मी धीरे धीरे बचा बचा के, बचा बचा के, पापा ने मम्मी को पैसे दिए, लो भाई दूध का जो है बिल का पैसा, अखबार का पैसा, सब्जियों का पैसा, सारा पैसा दे दिए। अब मम्मी ने क्या काम किया, अपनी सूझबूझ लगा के सस्ती सब्जी खरीद के या जैसा भी है बार्गेनिंग करके धीरे धीरे पैसा बचाती रही बचाती रही बचाती रही, और पता लगा कोई इमरजेंसी खर्चा आ गया। अब साहब उस वक्त पापा के पास बजट नहीं था, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, वहीं पे मम्मी ने पैसे उठा के पापा को दे दिए। क्या पापा जी उस वक्त मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा करने वाले हैं या मम्मी को अप्रिशिएट करने वाले हैं? सर पापा तो मम्मी को अप्रिशिएट ही करेंगे, अगर तो पापा का तो काम बन गया। मैं कहा यही तो बात होती है बच्चों, मम्मी क्या है, मम्मी समझदार है, प्रूडेंस है, कंजर्व करके चलती है। वही काम इस प्रोपराइटर ने मम्मी से सीखा हुआ है, मम्मी वाला कंसेप्ट कि प्रूडेंस होके चलो। और हाँ अगर मान के चलो पापा जी को कोई ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो मम्मी के पैसे तो बच गए, मम्मी के बल्ले बल्ले, और जो है अगली बार जो है आपका वो अगले साल काम में आ जाएंगे। फ्यूचर में जीवन है, कभी तो इमरजेंसी हो सकती है। सर बात तो आप ठीक कहते हो, ये मम्मी ने जितने पैसे जमा कर करके रखे थे ना, ये डीमोनेटाइजेशन के वक्त सारे पैसे बाहर आ गए थे। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, बहुत सारी मम्मियों के पैसे बाहर निकल आए थे उस स्थिति के अंदर। बस यही चीज समझाना चाहता हूं बच्चों। खैर ये तो मजाक की बात रही कि डीमोनेटाइजेशन में पैसे बाहर आ गए, वो तो सब हर किसी की मदर जो है पैसे रखती है, और वही कंसेप्ट यहां पर है। सर अब बात आपकी समझ में आई सारी, सर कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो हमें बात समझ में नहीं आ पा रही सर, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, अब आपको इसी बात को क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूं, अब आपको बात समझ में आएगी कि ये है क्या। अब बच्चे मुझे कहते हैं सर सर, मैंने कहा बोलो बोलो सर, एक क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा बच्चों आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने कहा मैंने मानी, और हम दोनों ज्ञानी, तो चलो फिर करते हैं इसका एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें दे रखी हैं। तो देखो बच्चों अब आती है बात, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस लाइन, एक ये लाइन, एक फिर से लाइन, और ये सीधी लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है सर। डेबिट क्रेडिट बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट 800, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1/4/2011, और ये दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2012, और ये हो गया 2500। डेटर्स 80,000, एडजस्टमेंट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने तो नाम बदल दिया। मैंने कहा बच्चों कृष्ण भगवान के 108 नाम हैं, वो कृष्ण भगवान। सर आप घिसे पिटे डायलॉग हैं सर, हमको सब पता है, हम बस बात ठीक समझ में आ गई आपकी।
पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल, जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल नहीं होता, जर्नल होता है। मैंने कहा मेरे हिसाब से जर्नल ही होता है। एंड शो, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओ तो देखो बच्चों क्या करना क्या है। सर सारी बातें समझ में आ गई। सर सबसे पहले तो आप एक बात बताओ सर, ये एक्सट्रैक्ट क्या है? सर ये एक्सट्रैक्ट, मैंने कहा देखो बच्चों क्या ये आपको पूरा ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा देखो बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मैं उसका कुछ पार्ट जूम करके आपको दिखाऊं, छोटू सा, जिसके अंदर देखो ट्रायल बैलेंस तो लंबा सारा होता है, लेकिन मैं छोटू सा उसका कोई पार्ट बता रहा हूं कि बस इसी को देखो जो मैं दिखा रहा हूं। ऐसे तो ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा है, वो पूरा ट्रायल बैलेंस बना के क्या करूंगा? छोटू सा पार्ट अगर दिखा रहा हूं, टोटल भी मैंने मैच नहीं किया इसका। तो जब हम पूरे ट्रायल बैलेंस का कुछ पार्ट दिखाते हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर आगे बताओ, मैंने कहा आगे देखो अब इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे है क्या। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, देखो तोते आपका मुकाबला पता है किन से होना है? जो तोतों से होना है, जो तोते होते हैं ना। सर तोतों से कैसे? मैंने कहा क्लास के अंदर सभी बच्चे रट रट के पूछेंगे, और अगर आप इसका कंसेप्ट समझ के चलोगे तो मैं फिर कहता हूं आज तो 11th है, कल आप हायर स्टडी करोगे, बड़ी से बड़ी आप जो कंपनी में जाओगे तो आप प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन आएगी, तो जब आप समझ के चलोगे तो आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रटा हुआ नहीं होगा। कल को मान लो जॉब लग गई और ऐसी कोई सिचुएशन आई और थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फिर सर खुजाते रह जाओगे, ये चीज तो हमारे डीके गोयल टीएस ग्रेवाल में थी नहीं, तो वहीं जॉब से निकाल देंगे आपको बच्चों। तो इसीलिए हमें क्या काम करना है, इसीलिए हमें समझ के चलना है हर एक चीजों को। तो समझो आप, देखो अब मैंने आपको एक डायग्राम बताया, अब आप इसी डायग्राम को अपने दिमाग में बिठाएं, सोचें ऐसा कि ये कौन है? प्रोपराइटर। ठीक है, ये कौन है? प्रोपराइटर। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ ये हुआ कि इसके बैड डेट्स 800 रुपए के बेड डेट्स तो कंफर्म्ड हैं, 800 रुपए के बेड डेट्स। इसको पता है कि जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर, इसके ये कस्टमर में 800 रुपीज के जो बेड डेट है ना, ये इसको पैसे देने वाले नहीं है। ओ अब देखो, जो पहले पुरानी बातें होती हैं, हम इसको कैसे देखते हैं? बादल बनाते हैं, बादलों में देखते हैं ना, तो ये बादल में देख रहा है, सोच रहा है पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मैंने अलग से प्रोविजन बना के रखा था, ठीक है, और अलग से जो प्रोविजन बनाया था वो कितने का बनाया था? मान के चलो 7,000 का बनाया होगा, ठीक है, मान के चलो, ऐसे ही मैंने मनगढ़ंत ले लिया 7,000 रुपये, ठीक है, मान के चलो 7,000 का बनाया होगा, उसमें से 4,500 के बेड डेट हो गए थे तो बच गए थे 2,500 रुपये। ऐसा इसको याद आ रहा है ऐसा, ठीक है, इमोजीज यूज करते हो ना इंस्टा व्हाट्सएप पे तो पता ही होगा, तो इसलिए ऐसा इसी सोच रहा है ऐसा कि 2,500 बच गए थे। ओ प्रोविजन फॉर बेड, ये 2,500 रुपए इसके इस साल काम आने वाले हैं, इसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1 अप्रैल 2011 को, इसके ये काम आने वाले हैं, पिछले वाले 2,500 बच गए थे, बच गए थे, बच गए थे, बच गए थे। सर इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हो? ताकि आपको ये बात पता रहे कि ये इस साल का प्रोविजन बनाया हुआ नहीं है, ये तो पिछले साल के थे और बच गए थे जो इस साल काम में आएंगे। ओ सर, सर मैंने कहा बोलो सर, इस साल हम कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। मैंने कहा बनाएंगे ना, तो लो आओ अकाउंट बना के देखते हैं। अकाउंट लाइन लाइन लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर बेड डेट लिखो। मैंने कहा खाने चांटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर बेड डेट लिखो, डाउटफुल डेट्स। सर बेड डेट लिखो। मैंने कहा फिर चांटे खाने? मैं बार बार मारूंगा चांटे फिर तुम्हें। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था?
लिखो बैड डेट्स कितने के हो गए, ये तो कंफर्म है हो ही गए 800 रुपए के, तो जो हो गए तो ठीक है लिख लो, तो ठीक है। एड फर्दर बैड डेट, फर्दर फर्दर मतलब और भी कुछ बैड डेट हो गए क्या, जो फर्दर बैड डेट होते हैं ना वो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, तो इसमें एड करने पड़ते हैं फर्दर बैड डेट, FBD, शॉर्ट फॉर्म का जमाना है FBD। है क्या कोई फर्दर बैड डेट? ना जी ना, निल। तो ओवरऑल बैड डेट हमारे कितने हैं? 800 रुपए, ये तो कंफर्म है पक्का है, ये तो हो चुके हैं, और ये तो नुकसान होगा ही होगा, ये तो नहीं देगा इसने, तो ये बता दिया। इनमें से एक आदमी खराब आदमी था, उसने मेरे को मार कूट के भेज दिया, वो मुझे पैसे नहीं देगा, कंफर्म है। ठीक है सर आगे बढ़ो। तो मैंने कहा आगे बढ़ो, टू बैलेंस सी डी न्यू प्रोविजन। ठीक है अब देखो बच्चों, हमारे पास डेटर कितने हैं? 80,000। 80,000 के कुल डेटर थे, कंफर्म खराब आदमी कौन निकल आया? कंफर्म खराब आदमी निकल आया 800 रुपए वाला, -800। अब बचे हुए लोग कितने हैं जिनसे कुछ उम्मीद है कि हाँ कुछ अच्छा कर देंगे? 79,200 के लोग कुछ उम्मीद है अच्छा कर देंगे। इस 79,200 के ऊपर अगर मैं सोचूं कि 5% लोग खराब निकल आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा अनुमान है, जो कंफर्म है ना उनको तो हटा दो, बचे कुछों के ऊपर 5% का अनुमान है कि वो भी खराब निकल के आ सकते हैं, तो इनका प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो इसका मैं 5% निकाल लेता हूं, 3960, 3960। तो ये 3960 यहां लिख दूं, हाँ इतने का अनुमान हो गया कि ये भी नुकसान है। सर सर मैंने कहा, बोलो सर वो PNL भी बना लो ना सर, साथ साथ बना लो। मैंने कहा तुमने कहा मैंने मानी, हम दोनों ज्ञानी, लो मैं PNL अकाउंट भी बना देता हूं। सर लिख डालो सर बैड डेट, अच्छा लगता है। मैं अच्छा का लगता है लिखना ही पड़ेगा कि ये तो देखो 800 रुपए के बैड डेट है ही है, क्या नुकसान FBD का हुआ? FBD ये FBD का है ही नहीं, तो काहे का नुकसान? ओवरऑल 800 रुपए, और हमने देखो 3960 को भी नुकसान मान लिया कि नीयत खराब हो सकती है इन डेटर्स की भी, ये बेकार लोग हैं, कोई पता नहीं है, हमारा पास्ट रिकॉर्ड यही कहता है कि ये खराब हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, हम कौन समझदार, तो बना लो 3960 के। मैं बना लूं 3960 का? आपने बोला ठहरो ठहरो सर ठहरो। मैंने कहा क्यों? सर बच गए थे पिछली साल वाले, बच गए थे पैसे, एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के बैठे थे, उनको तो काम में ले लो। मैंने कहा ओहो अच्छा याद दिलाया, मैं तो अब ऐड कर चुका हूं, तो कोई बात नहीं यूज कर लो, ओल्ड प्रोविजन काम में आ जाएगा, वो लेस कर दो। आप समझ के बैठे हो कि आपका कुल नुकसान कितना होगा? 800 रुपये प्लस 3960, कुल नुकसान जो समझ के बैठे हो ना 4760 का होगा, उसमें से बल्ले बल्ले बच जाएंगे। ठीक है ये बल्ले बल्ले लिख देता हूं, बल्ले एग्जाम में मत लिख देना तुम लोग, बल्ले बल्ले समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसमें से इतने की बल्ले बल्ले। तो कुल नुकसान कितने का हुआ? फोर से देखो, 800 प्लस 3960 माइनस के 2500, तो 2260 खत्म। तो हमको अब की बार कितने का प्रोविजन बनाने की जरूरत है? इतने का। अच्छा तभी बाई बैलेंस BD ओल्ड प्रोविजन हम यहां पर लिखते हैं, वही तो 2500 के ओल्ड प्रोविजन यहां लिखोगे, तभी तो बाई PNL बैलेंसिंग फिगर से आएगा। अच्छा कितना आ जाएगा बाई PNL बैलेंसिंग फिगर से? 2260। तो देखो बच्चों देखो, ये जो 2260 यहां पर आया, अब अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बाय PNL लिख रहे हो, तो PNL अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अच्छा तभी आप कहते थे सर कि PNL अकाउंट में चाहो तो एक बार ही लिख देना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2260, अगर डिटेल ना लिखना चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो ऐसे, और डिटेल लिखना चाहो तो बल्ले बल्ले, फिर तो बढ़िया बात है ही। ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक के लॉजिक तो सर समझ में आ गए। सर एक बात और बताओ ना। मैंने कहा क्या सर? बैलेंस शीट में से क्यों लेस करते हो सर? ये बैलेंस शीट में से ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं सर, इसमें से आप सबसे पहले जो है ना बैलेंस शीट में से आप लेस करवाते हो, ये 80,000 के जो डेटर्स हैं इसमें से आप फर्दर बैड डेट लेस कराते हो। ठीक है फर्दर बैड डेट लेस कराते हो सर,
सर हमें लगता है सर आपने गलती की है। मैंने कहा क्या सर, फर्दर बेड डेट ही तो लेस होते हैं, आपने यहां पर 800 क्यों लेस कर दिए। मैंने कहा बच्चों यही सारी कहानी बतानी है मैंने आपको, और तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि ये हमने यहां पर लेस नहीं करने चाहिए थे और क्यों नहीं करने चाहिए थे। अब उसके ऊपर मैं कहानी बताता हूं। देखो आपको यहां पर मुझे इसके ऊपर नहीं, डायरेक्ट 80,000 के ऊपर ही 5% निकालना चाहिए था। सर ऐसा क्यों, 80,000 के ऊपर ही 5% निकालना चाहिए था, आपको लेस नहीं करने चाहिए ये, ऐसा क्यों सर। मैंने कहा ऐसा कारण है इसके ऊपर भी, ये 3960, ये जो 3960 है ना, ये 3960 यहां नहीं आने चाहिए, यहां कितना आना चाहिए, यहां 4000 आना चाहिए। अच्छा 80,000 पे निकलेगा, 800 लेस नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे, उसका कारण बताता हूं क्यों नहीं होंगे। ठीक है तो चलो वापस कर लो, 800 प्लस 4000 माइनस 2500 तो कितना आएगा, 2300। कितना आएगा, 2300, यहाँ कितना आएगा, 2300। सर अब बताओ ना, सर बताओ ना, क्यों लेस नहीं होंगे, क्यों लेस नहीं होंगे सर, यहाँ पर 2300 कैसे आ रहे हैं सर, सर यहाँ पर आपने क्यों लिखा सर ऐसा है। तो मैंने कहा देखो देखो बच्चों देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो बैड डेट यहां पर होते हैं वो बैड डेट डेटर्स में से लेस नहीं होते, ऐसा मैंने बताया, और ये बताया जो चीज एडजस्टमेंट में होती है वो लेस होती है, ऐसा क्यों, जरा सुनना बात मेरी। बैड डेट जब होते हैं, जब ये वाले बैड डेट हुए होंगे जो ट्रायल बैलेंस में आए हैं, तो इसकी एंट्री हुई होती है बैड डेट की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, चाहे फिर वो ट्रायल बैलेंस वाले डेटर हो, ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट हो, या एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एफबीडी होते हैं, चाहे एफबीडी वाले हो चाहे ट्रायल बैलेंस वाले हो, दोनों की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन बच्चों देखो, जो चीज ट्रायल बैलेंस में आई है ऑब्वियस सी बात है उसके लेजर बन चुके हैं, बैड डेट का लेजर बन चुका है, डेटर का भी लेजर बन चुका है, बैड डेट्स का भी बन चुका है, डेटर्स का भी बन चुका है, क्योंकि लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अब आप देखिए, बैड डेट अकाउंट में मैंने टू डेटर लिख दिया होगा और डेटर अकाउंट में मैंने बाई बैड डेट लिख दिए होंगे, ठीक है। हाँ सर, यानी बैड डेट अकाउंट में टू डेटर लिखने के बाद ही इसका बैलेंस आया होगा और डेटर अकाउंट में बाई बैड डेट लिखने के बाद ही इसका बैलेंस आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डेटर के अंदर वो बैड डेट एडजस्टेड हो चुके हैं। सर बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है वो उसका अभी तक कोई लेजर बना हुआ नहीं होता, ना वो ट्रायल बैलेंस में है। जब वो ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, मान के चलिए अगर मैं कोई बैड डेट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता हूं, तो इसका मतलब अब तक उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई, ना उसका कोई लेजर बना, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तभी तो वो एडजस्टमेंट में है, तो उसको हमें अब एंट्री करने की जरूरत है, उसका लेजर बनाने की जरूरत है और उसका डेटर में एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अच्छा तभी बैड डेट जो है वो जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं उनको डेटर में से लेस नहीं करते, और फर्दर बैड डेट जो दे रखे होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसको हम डेटर में से लेस करते हैं। मैंने कहा वही तो समझ में आया, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर बैड डेट है नहीं, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर बैड डेट है नहीं, अगर होते तो मैं लेस करता और लेस करने के बाद ही प्रोविजन निकालता, लेकिन यहां पर मुझे डेटर को लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 800 रुपए के डेटर पहले से ही लेस किए हुए हैं 80,000 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर में से फर्दर बैड डेट, वो डेटर में से जो आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है वो पहले से लेस किए हुए हैं, और फर्दर बैड डेट हमें लेस करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो उसको आपको अब एंट्री करनी पड़ेगी, उसका एडजस्टमेंट भी दूसरी जगह करना पड़ेगा। सर बात समझ में आ गई सर, काश आप यहां पर भी फर्दर बैड डेट दे देते तो हमें पता लग जाता सर। यहां पर सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी चीज होगी अगर वो डेटर से संबंधित है तो उसका एडजस्टमेंट होगा। मैंने कहा होगा सर, ये 4000 रुपए के जो आपने न्यू प्रोविजन बनाए हैं सर, ये भी तो एक तरीके से बैड डेट ही है। मैंने बोला क्यों सर, आप ही तो कह रहे थे कि मान लो ये नुकसान अगर हो गया तो, नहीं होगा तो बल्ले बल्ले, लेकिन मान लो अगर नुकसान हो गया तो, सर ये भी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं है सर, इसको भी तो लेस करो ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
बैलेंस शीट के अंदर हमें इस न्यू प्रोविजन को भी लेस करना चाहिए 4,000 रुपीज। अच्छा तो ये है लॉजिक सर। सर ओल्ड प्रोविजन को भी कर दो। मैंने कहा लगाओ दो चांटे, क्या ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में है? मैंने कहा हां। तो क्या ओल्ड प्रोविजन का एडजस्टमेंट पहले से डेटर में हो चुका होगा? हां सर हो चुका होगा, अब वापस करने की जरूरत नहीं है। जो चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी केवल वही चीज ही डेटर में से लेस होगी, क्योंकि उसका दूसरी जगह एडजस्टमेंट किया हुआ नहीं होगा। ओके सर, अब हमें आपकी बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो ये था प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेट का पूरा कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।